नमस्कार दोस्तों, सीएमएलसी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं देखिए विश्वविद्यालय से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जितने भी जीके जीएस प्रश्न बनते वो सभी प्रश्न को बताऊंगा जो एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है, ये सभी प्रश्न को बताऊंगा। देखिए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी, ध्यान रखिएगा किसने की, कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त ने। थोड़ा घुमा दे, अगर पूछे उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की तो गोपाल ने, याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने, नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ समझिएगा जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी शाखा की पढ़ाई होती थी, तो याद रखिए ब्रजयान शाखा की विक्रमशिला, भूलिएगा नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी शाखा की पढ़ाई होती थी, तो ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती, नज़र रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय उदंतीपुरी में महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय उदंतीपुरी विश्वविद्यालय में किस शाखा की पढ़ाई होती थी, तो महायान शाखा, नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब यहाँ समझिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था पढ़ने के लिए, और याद रखिएगा ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री था जिसने पूछेगा कि ह्वेनसांग कौन से विश्वविद्यालय का वर्णन किया था, तो याद रखिए कौन से विश्वविद्यालय का, तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ समझिएगा शिक्षा भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में भारत में शिक्षा का अधिकार को लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 में भारत में शिक्षा का अधिकार को लागू किया। लेकिन पूछेगा शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा अगर शिक्षा पूछे किस सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन पहले जो शिक्षा था ना दोस्तों किस सूची में था, तो पहले पूछे राज सूची में, लेकिन इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो पूछेगा शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाते हैं, कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। लेकिन थोड़ा घुमा दे, पूछे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व शिक्षक दिवस पूछे ना तो 5 अक्टूबर को, नजर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिएगा बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्ता किसे कहते हैं, बुद्ध डिस्पैच को। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्ता किसे कहते हैं, बुद्ध डिस्पैच को कहते हैं, नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन यहीं पर समझिएगा इसी प्रस्ताव कौन से बुद्ध डिस्पैच के प्रस्ताव के आधार पे, याद रखिएगा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में कोलकाता बम्बई मद्रास 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कोलकाता बम्बई मद्रास कौन से बुद्ध डिस्पैच प्रस्ताव के माध्यम से, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कभी कभी देखने को मिलता है, भारत में जनसंख्या शिक्षा परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1980 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको मैं देख लेता हूँ, जो बार बार देखने को मिलता है, विविधा टाइप क्वेश्चन रहता है। देखिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछे ना, तस्सिला विश्वविद्यालय है, कौन सा, तस्सिला विश्वविद्यालय, लेकिन ये पहले तो भारत में था लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी पूछे ना, तस्सिला विश्वविद्यालय है, नज़र रखिए। और अगर पूछे एजुकेशन को अनिवार्य यानी शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है, प्रसा है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा, अब भारत में 1 अप्रैल 2010 इसमें शिक्षा का अधिकार को लागू किया, ध्यान रखिए। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये चीन है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिविल सेवा की परीक्षा आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन है, तो सिविल सेवा की परीक्षा को आरंभ करने वाला भी प्रथम देश चीन है, नज़र रखिएगा,
और कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला अगर पूछे प्रथम देश कौन है तो चीन, इस पर भी नज़र रखिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1957 में हुआ था, नज़र रखिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1957 में। और केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान का है? हैदराबाद में। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का है? मैसूर में। तो ये सभी क्वेश्चन ये देखिएगा दोस्तों, ये शिक्षा संबंधी पार्ट वन था। इसके बाद पार्ट टू भी क्वेश्चन आएगा, विश्वविद्यालय जितना भी क्वेश्चन था पार्ट वन में बता दिया, इससे और एक पार्ट टू भी आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।